दिनांक 18 दिसंबर को हमें सूचना मिली कि छोटे किडवाल बड़े किडवाल संगनमुड़को इलाके में नक्सलियों की बड़ी उपस्थिति है और वहाँ पे वो कैंप लगा करके रुके हुए हैं। सूचना मिलने पर हम लोगों ने भेजी क्षेत्र एवं चिंता हुआ क्षेत्र से डीआरजी एसटीएफ एवं कोबरा की संयुक्त पार्टियों को ऑपरेशन के लिए निकाला। दिनांक 19 को सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे हमारे डीआरजी की टीमों के साथ में एक नक्सलियों की पार्टी की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ लगभग आधे पौन घंटे चली है और काफ़ी हेवी फायरिंग दोनों साइड से हुई। नक्सलियों ने एचई बम वगैरह भी दागे हैं हमारे ऊपर और जवाबी कार्रवाई में जब हमारी टीम ने घेराबंदी करके फायरिंग की तो वो जंगल की आड़ लेते हुए भाग गए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर एक महिला नक्सली की डेड बॉडी मिली जो कि वर्दी में थी और उसके पास से एक 3x3 राइफल, उसका मैगजीन और उसका पाउच और कारतूस वगैरह बरामद हुए। साथ ही साथ आईडी का सामान और काफ़ी सारा लोकल जो नक्सलियों का लिटरेचर होता है वो मिला। उसके बाद फिर लगातार फायरिंग हमारी टीमों के साथ चल रही थी। कुल 4 जगह पे फायरिंग हुई टोटल ऑपरेशन के दौरान। लगभग 12:30 से 1 के बीच में दोबारा एक बार बड़ी टीम के साथ में फायरिंग हुई। उस समय भी हमारी टीम ने घेराबंदी करके जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के पश्चात इलाके की सर्चिंग करने पर एक पुरुष नक्सली की डेड बॉडी मिली और साथ में पूरा कैंप जो इन लोगों ने किया हुआ था कैंप का काफ़ी सारा सामान मिला है। और उसके बाद पूरे इलाके की गहन सर्चिंग करके हमारी टीमें फिर सावधानी पूर्वक वापस अपने अपने कैंप रात तक लौटे। जो मृत नक्सली थे इनकी पहचान अपने सरेंडर्ड कार्डर से कराई हम लोगों ने, तो जो महिला है उसकी पहचान मड़कम मासे के रूप में हुई है। ये कल निकले थे।